हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुण कुमार, आपका हमारे यूट्यूब चैनल होम ट्यूशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसे कि आपको बता होगा कि हमने परिमेय संख्या की फर्स्ट ए और फर्स्ट बी एक्सरसाइज करा दी है। इसकी फर्स्ट सी एक्सरसाइज का पहला सवाल यह है कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं में कौन बड़ी है। हमको ये बताना है कि ये दो परिमेय संख्या दी है, क्या पार्ट ये है, क्या पार्ट ये, गै पार्ट ये और घ पार्ट ये है। इसमें यह बताना है कि ये वाली बड़ी है या ये वाली बड़ी है। इसमें यह बताना है कि ये बड़ी है या ये बड़ी है। तो कैसे पता पड़ेगा, कैसे पता चलेगा कि ये बड़ी है, ये बड़ी है या ये बड़ी है? तो इसके लिए सॉल्यूशन करते हैं। तरीका एक होता -4/9 और 7/9। तरीका यह है कि इस 9 की मल्टीप्लाई करते हैं 4 में, कितना हो जाएगा 36। 9 की 7 में करेंगे 63। माइनस का बड़ा है, प्लस का बड़ा है, प्लस का बढ़ा है, तो ये वाली संख्या बढ़ी है। कौन सी बढ़ी है? 7/9 बढ़ी है। ये तरीका इसका भी यही है, -3/4 -5/8। 8 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे -24 और 4×5=20, ये भी माइनस का। अब आप ये बताइए कि ये वाली बढ़ी है, ये वाली बढ़ी है, माइनस का 20 बढ़ी है, कौन सी संख्या बड़ी हो जाएगी? -5/8। यह पार्ट ये इसका माइनस के। सेकेंड सवाल ये आपका, इसमें क्या करना है? इसमें करना है निम्नांकित परिमेय संख्याओं में कौन छोटी है। उसमें क्या बताया था, पहले सवाल में क्या बताया था, ये आपका सेकंड सवाल है। उसमें क्या बताया था कि इसमें कौन बड़ी है, इसमें बताना है कि कौन सी छोटी है। तो तरीका वही है, -4/9, इस माइनस को ऊपर लिख लो तो 5/9, 9 की मल्टीप्लाई कर लो 36 हो जाएगा, 9×45 हो जाएगा। ये छोटी है, ये छोटी है, -45 छोटी है, तो ये इसका आंसर होगा। खै पार्ट इसका 6/11, माइनस से माइनस कट जाएगा तो 7/11। 11×6=66, 11×7=77, कौन सी छोटी है? 66 छोटी है, तो ये इसका आंसर होगा। माइनस ऊपर ले जाओ 16/7/3, इसके नीचे 1 लिख लो, 16×16 -7=21, कौन सी छोटी है? ये वाली छोटी है, तो ये इसका आंसर होगा। इसमें क्या करना है, तरीका वही है बिल्कुल, -8/9, इस माइनस को ऊपर ले जाओ, 9×36 -3×8=24 ये छोटी है, छोटी है, छोटी ये वाली है, लेकिन छोटी ये वाली है। आपको लग रहा होगा कि छोटी ये वाली है, लेकिन छोटी माइनस में छोटी वो होती है, माइनस में छोटी वो होती है जो सबसे बड़ी होती है। तो 36 माइनस की बड़ा है, तो ये कौन सी बड़ी है? छोटी है, 4/-3, ये वाली संख्या छोटी है। सेकंड सवाल कंप्लीट है आपका, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल। थर्ड सवाल में है, थर्ड सवाल में ये करना है कि सही कथन चुनना है। इसका क्या पार्ट ये है, -4/18 के समतुल्य परिमेय संख्या क्या होगी? इसके समतुल्य परिमेय संख्या निकालनी है, तो -4/18 इसको काट लेंगे, 2 से 2 दूनी 4, 2 दूनी 18, तो -2/9 पहले ही ऑप्शन इसका सही है, ये इसके समतुल्य परिमेय संख्या होगी। क्या पार्ट है इसका, 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या निकालनी है, इससे बड़ी परिमेय संख्या तो इसकी कंपेयर करनी होगी, 3/5 और 4/10, 30, 5×20, तो ये भी नहीं है भाई, इधर 30 है, इधर 20 है, तो ये बड़ी होगी, ये छोटी है, तो ये भी नहीं है। 3/5 -4/10, 10×30, 5×20, ये भी नहीं है, ये बड़ी है, ये छोटी है। 3/5, 6/10, 10×30, 6×5=30, ये भी नहीं होगी, क्योंकि इक्वल इक्वल आ रहे हैं। तो इसका 3/5 और 7/10, 10×30 और 7×35, तो ये बड़ी है, ये इसका आंसर है। थर्ड सवाल कंप्लीट है। गैप पार्ट क्या है इसका, गैप पार्ट ये 4/9 से छोटी संख्या बतानी है, 4/9 से छोटी संख्या, 4/9 से छोटी संख्या क्या होगी, कंपेयर करनी पड़ेगी। कंपेयर करो, कंपेयर देखो, इधर करता हूँ, इधर कर देता हूँ, 4/9 और -11/18 तो इससे छोटी, यही छोटी है, यही छोटी है, यही इसका आंसर है, यही इसका आंसर है। 0/-5 से बड़ी संख्या क्या होगी, यह पार्ट है इसका, 0/-5 से बड़ी संख्या क्या होगी, तो इससे बड़ी संख्या निकालनी है, फिर कंपेयर करनी पड़ेगी, 0/-5 -1/5 0, इसे ऊपर ले जाओ, 0-5 छोटी है इससे संख्या, तो ये नहीं होगी, -0/5
माइनस से माइनस कट जाएगा, 2/7 बचेगा, 0.2 10, तो ये इसका आंसर होगा क्योंकि ये इससे बड़ी है, ये इसका आंसर होगा। फोर्थ सवाल क्या है, फोर्थ सवाल ये है, ये और इसका निशान लगाना है। निशान कैसे लगेगा, जो बड़ा होगा उसकी तरफ को मुंह खुलेगा, जो बड़ा होगा उसकी तरफ को मुंह खुलेगा, यानी कि हमें ये चेक करना है कौन सा बड़ा कौन सा छोटा कौन इक्वल है। तो इसका पहला पार्ट है -4/7 और 6/13, तो मल्टीप्लाई कर लो, 4×13=52 और 7×6=42, तो ये बढ़ेगा, ये बड़ा, ये वाला बड़ा है, तो साइन आएगा इस चीज़ का, इधर को मुंह खुलेगा, जिस जो बड़ा होगा उसका मुंह खुलेगा। 4/5 -5/7 मल्टीप्लाई कर लो, -28 आएगा, 5×25 आएगा, तो ये बड़ा, ये बड़ा, ये वाला बड़ा है, साइन इधर आएगा। मल्टीप्लाई कर लो, इसको ऊपर ले जाओ, इस साइन को ऊपर ले जाओ, तो -7/8 और -21/24, तो 24×7=168, 7×28=7, 8×1 और 8×2, सॉरी ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, दोनों माइनस के हैं, तो साइन किसका आएगा, इक्वल आएगा। इसको कर लो, माइनस तो माइनस खत्म हो जाएगा, तो 9/10 आएगा, 8/9 आएगा, 9×81 और 10×8 80, ये वाला बड़ा है तो साइन इसका आएगा। फोर्थ सवाल कंप्लीट है, नेक्स्ट देखिए फिफ्थ सवाल क्या है। फिफ्थ सवाल में करना है आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम क्या होता है, पहले आरोही क्रम समझ लें। आरोही क्रम होता है बढ़ता क्रम, यानी कि पहले एक आएगा, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, फिर पाँच, फिर छः, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये क्या है, आरोही क्रम, यानी कि बढ़ता क्रम। इसी टाइप से हमें ये चेक करना है कि ये सबसे छोटी है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ये मैं सेट करनी है, आरोही क्रम में सेट करनी है। सबसे पहले क्या करेंगे कि नीचे वालों को इक्वल करेंगे, पहले तो माइनस साइन यू करते हैं, 3/5 -7/10 ये हो जाएगा -8/15 और ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो आएगा 7/30। नीचे वालों को इक्वल करेंगे, यानी ये 30 है, तो इसको 30 बनाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई, इसमें 6 से और इसमें 6 से, जितने के नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे उतने के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, आप जानते होंगे। 6×3=18, 7×21=30, 8×2=16/30, वही हो जाएगा 17/30। अब सबसे पहले चेक करो कि सबसे छोटा कौन सा है इसमें, सबसे छोटा है इसमें -21, सबसे छोटा, देखो 30 को हाइड करो, इसके बाद सबसे छोटा चेक करो, -21 छोटा है, तो सबसे पहला आएगा हमारे पास -7/10, इसके बाद सबसे बड़ा, इससे बड़ा ये है, फिर आएगा हमारे पास 8/-15, इसके बाद हमारे पास ये बड़ा है, तो आएगा -17/-30, उसके बाद 3/5, ये आप फिफ्थ सवाल कंप्लीट। अब अगला सिक्स सवाल क्या है, सिक्स सवाल में करना है आपको अवरोही क्रम में लिखनी है, अवरोही क्रम में लिखनी है, अवरोही क्रम क्या है कि सबसे पहले सबसे बड़ा, यानी कि आरोही क्रम को बिल्कुल उल्टा है, पहले सबसे बड़ा लिखना पड़ेगा, फिर से छोटा, फिर से छोटा, फिर से छोटा। अब सबसे पहले बात आती है कि इनके नीचे वाले, यानी कि हर को इक्वल करना है, यानी कि हर को बराबर करना, तो ये कितना जाएगा, 4/7 -5/6, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 3/12 और ये जाएगा -11/24, ठीक है, यहाँ 24 है, तो इसको 24 बना सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करके, इसमें 2 से मल्टीप्लाई, इसमें 4 से मल्टीप्लाई, या 4 से मल्टीप्लाई, लेकिन ये 24 नहीं बनेगा, तो हम क्या करेंगे, आगे चलते हैं, 4/7 -20/24, 3×6/24 और -11/24, देखिए ये 7 जो 24 में कन्वर्ट नहीं होगा, तो इसको क्या करेंगे, 24 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, यहाँ 24 की, तो यहाँ 24 की, इस 7 की मल्टीप्लाई फिर यहाँ कर देंगे, ये इक्वल हो जाएंगे, 7 की यहाँ और 7 की यहाँ, ये नीचे वाले सब इक्वल हैं, नीचे वाले क्या हैं, सब इक्वल हैं, ऊपर वाले लिख लेते हैं, 24 × 6 = 24, 24 × 18 = 24, 24 × 6 = 24, 24 × 6 = 24, 20 × 7 = 140, वो भी माइनस के, 7×6=42 और 11×7=77, ठीक है।
अब इसमें सबसे पहले चेक करना है कि सबसे बड़ा कौन सा नंबर हमारे पास। सबसे बड़ा 96 है, तो सबसे पहले आएगा हमारे पास 4/7। उससे छोटा कौन सा है? उससे छोटा है 42, फिर आएगा हमारे पास -3/-12। उससे छोटा कौन सा है फिर? उससे छोटा हमारे पास -77, फिर आएगा हमारे पास 11/-24, फिर इसके बाद हमारे पास -140, तो -5/6। ये इसका आंसर होगा, आंसर होगा। फिर सवाल कंप्लीट है, पूरी एक्सरसाइज भी कंप्लीट है। कल हम नेक्स्ट चैप्टर यानी कि घाता आपको पढ़ाएंगे।